को मैं हमेशा शेयर करना चाहती थी। जब मैं इंडिया में थी तो जैसे ही मैं इंडिया पहुंची, दो तीन महीने में लगातार बीमार थी, मेरा हीमोग्लोबिन कम था। तो फिजिकली जब आप अनवेल होते हैं तो आप उतना सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते, तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, कई बार सुसाइडल टेंडेंसीज तक आई। तो एक टाइम में मुझे आगे फील हुआ दैट आई नीड टू वर्क ऑन माई मेंटल हेल्थ। तो मैंने देखा नोएडा में जो भी टॉप साइकेट्रिक था, मैंने उसका अपॉइंटमेंट लिया और मैं जाने लगी। रास्ते में जिस कैब में मैं जा रही थी, पूरा रास्ता मैं इंग्लिश में अपने किसी फ्रेंड से बात करते हुए जा रही थी, और ड्राइवर को जब मैंने बोला कि यहाँ पर रोक दो तो जैसे ही बाहर लिखा हुआ था मनोचिकित्सक, उसने गाड़ी को वहां रोका, उसने पलट के मेरी तरफ पीछे देखा और उसने मुझे पूछा, आप क्यों? मतलब ये क्वेश्चन बहुत बड़ा स्टिग्मा है सोसाइटी पे, आप मेंटल प्रॉब्लम्स को, स्ट्रेस को, तनाव को प्रॉब्लम समझते ही नहीं, पागलपन समझते हैं। मतलब ये कितना बड़ा इशू है जिस पर हम सबको काम करने की जरूरत है। अगर आपका पेट खराब होता है आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपके हाथ पैरों में दर्द होता है आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आपके दिमाग में दर्द होगा तो आप किसी अच्छे ट्रेंड काउंसलर के पास क्यों नहीं जा सकते? क्यों हमेशा मनोचिकित्सक के पास जाना खराब ही माना जाता है?